कर दिया स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशली इस पेज में। मेरा नाम है विशाल परिहार, मुझे आप लोग जानते ही हैं। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने है जिनको बहुत सारे लोग देख चुके होंगे मेरे साथ ऑलरेडी कई सारे शोज में। प्रशांत सर नेम है, सीनियर साइकोलॉजिस्ट है, सीनियर काउंसलर है और कई बार चीज़ों को लेकर काउंसलिंग करते रहते हैं। आज मैं सर से मिला हूँ, जनरली हम लोग मिलते रहते हैं, तो आज बैठे बैठे कुछ एक आइडिया आ गया। आइडिया एक सेंसिटिव टॉपिक है, वो सेंसिटिव टॉपिक है हमारा सेक्स एजुकेशन को लेकर। हमारे देश में हर तरीके की चीज़ों की एक शिक्षा दी जाती है, हर तरीके की शिक्षा दी जाने में सेक्स एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो पीछे रह जाती है। चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, चाहे हम टीचर्स की बात करें, ना ही पेरेंट्स ना ही टीचर्स पर खुलकर बात करते हैं बच्चों पर, और ना ही कोई और। जिससे कि होता क्या है, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है, क्योंकि सर मैं भी देखता हूँ, क्योंकि जब एक बच्चा है, जब वो बड़ा हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सारी जानकारी सही मिल रही है, बस एक जानकारी नहीं मिल रही जो सेक्स को लेकर है। तो वो क्या करता है, बड़ा होता है, अपने दोस्तों से मिलता है, दोस्तों से इसकी इन्फॉर्मेशन लेता है। आप लोगों ने भी ली होगी, और दोस्तों के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, वहाँ पर दोस्त कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी और से नहीं लेकर आया, वो भी आप ही की उम्र के हैं। वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं सर पोर्नोग्राफी से, पोर्न वीडियोस देखते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं। तो सर अगर एक बच्चा कोई इन्फॉर्मेशन पोर्नोग्राफी से लेगा, तो किस हद तक वो इन्फॉर्मेशन सही होगी और उसके लिए खराब होगी, मतलब अच्छी हो सकती है हमारे समाज के लिए, वो चीज़ तो सबसे ज़्यादा खराब है। तो मेरे पास कुछ सवाल है जिसको लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे मिथ होते हैं। हालांकि दिस इज दी आर फर्स्ट इनिशिएटिव, आपको मालूम है अलग अलग इनिशिएटिव लेता रहता हूँ, तो आज ये इनिशिएटिव मैंने सर को देखा, सर से बात की, तो मुझे लगा लेना चाहिए। सर कुछ मेरे सवाल रहेंगे, इसको लेकर आपको जवाब देना होगा। राइट सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि इस वीडियो का काफी सारे लड़के भी देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रही हैं। एक सेंसिटिव चीज मैं उठाता हूँ, मास्टरबेशन, हस्त मैथुन जिसे हम कहते हैं, तो ये एक्चुअली कितने हद तक सही है, खराब है, इसको लेकर मिथ है, लोगों के अंदर बहुत मेंटली डिसऑर्डर कई सारे क्रिएट हो जाते हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अगर मैं बात करूं कि आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मास्टरबेशन को लेकर के यूथ के अंदर, कि एक मिथ भी लोगों के अंदर है कि ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही बड़ा हवा क्रिएट कर रखा है इसके इसको लेकर के। अगर आप मेडिकल साइंसेज को देखेंगे सर, बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, बीइंग ए काउंसलर, मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल ही नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ये कभी भी हार्म नहीं करती है। ये वैसी ही नीड है जैसे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, वैसे ही ये एक सेक्स एक नेचुरल नीड होती है, और हम अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ये काम करते हैं। अगर नेचुरल तरीके से आप करते हैं, एक लिमिट में करते हैं, तो ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। सर मेरे इसमें एक सवाल और ऐड होता है कि तो तकरीबन अगर हम कहें, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि जैसे मैं हूँ या फिर और भी बहुत सारे लोग होंगे, एक दिमाग में एक सवाल आता है कि लगता है कि शायद मैं ही अकेला दुनिया में ऐसा प्राणी हूँ जो शायद मास्टरबेशन करता हूँ या फिर हस्त मैथुन करता हूँ। तो सर कितने परसेंटेज लोग होंगे, 5-10 जो मास्टरबेशन करते होंगे इस वर्ल्ड में, या ज़्यादा भी होंगे? करेक्ट सर, अगर मैं स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया में, तो 98% लोग मास्टरबेशन करते हैं, चाहे वो मेल हो, पूरा वर्ल्ड ही हो गया, ये पूरा वर्ल्ड ही हो गया सर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, 98% लोग ऐसा करते हैं। और इस करने में कोई बुराई नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है, ये नेचुरल फिनोमेना है जैसा आपने बताया, इसलिए इसको हम 5-10% में ना बांधे, बल्कि ये एक सभी लोग इसको करते हैं। सर वही सर दिक्कत क्या है कि सर अब लोगों को पता नहीं होता, राइट? पता कैसे होगा सर, जब उसको कोई इन्फॉर्मेशन देगा, हमारे पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, टीचर्स इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, फिर वो इन्फॉर्मेशन एक गलत तरीके से स्प्रेड होती है। अच्छा सर मेरा एक सवाल इसमें यही है मास्टरबेशन को लेकर, कि अगर हम इसको करते हैं जब, तो इसका इफेक्ट कैसा पड़ता है, क्या हमारे जेनिटल पार्ट पर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्या उसके जेनिटल पार्ट में इम्पैक्ट पड़ता है उसका, जो कि खराब होता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जैसा सर ने बताया, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि उनका जेनिटल पार्ट जो है वो कमज़ोर हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा, कुछ नुकसान होने के चांसेज हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। बॉयज सोचते हैं कि बार बार अगर वो सेक्सुअल पार्ट्स पे, अगर वो सेक्सुअल ऑर्गन पे अगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गर्ल्स अगर उसको बार बार रबिंग की प्रॉब्लम आती है कि रबिंग करती हैं, या उसको बार बार घर्षण करती है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है या कोई कमज़ोर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। बट सर लिमिट में हो, एक्सेसिव ना हो, लिमिट में हो, लिमिट एक्सेसिव। जैसे हम चलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, तो बॉडी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, लेकिन आप 100 बार दंड बैठक करेंगे, 500 बार दंड बैठक करेंगे, तो निश्चित रूप से घुटने के ऊपर थोड़ा जोर जाता है। परफेक्ट, तो एक्सेस कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए सर। इसी से मेरे को एक चीज याद आ गई, जैसे आपने कहा सर, मैंने भी देखा, अभी बच्चे देख के हंस भी जाएंगे क्योंकि उन्हें याद आ जाएगा सर, न्यूज़पेपर में कई बार हम लोग ऐड देखते हैं,
होर्डिंग पर देते, लिखा होता बड़ा बड़ा कि बचपन की गलतियां हैं तो उनका समाधान यहाँ पर मिलेगा, आपने कुछ भी ऐसा गलत किया तो भैया हमारे पास है, मतलब शब्द ही ऐसा यूज किया कि बचपन की गलतियां, तो दिमाग में ही सर साइकोलॉजी बन गई कि हमने कुछ गलती कर ली। तो एक्चुअली सर ये बात कहाँ तक सही है, कितने हद तक सही है? ऐसे कई सारे बाबा वगैरह हकीम वगैरह लोग होते हैं जो, तो इसमें आपका क्या कहना है? बहुत सही बात बोला सर ने कि एक गिल्ट कॉन्शियसनेस जो है वो यूथ के अंदर या लोगों के अंदर बना रहता है। इतना ज़्यादा इसको न्यूज़ में पब्लिसिटी मिल गई है, इतना ज़्यादा लोग मार्केट में ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, वो ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि ये एक बहुत ही भयावह और बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जिससे लोगों में एक गिल्ट कॉन्शियसनेस या अपराध की भावना आने लगती है। तो आप बिल्कुल अपराध की भावना से ग्रसित ना हो। आप खाना खा करके कभी सोचते हैं कि मैंने गलत काम किया? आप पानी पी करके कभी सोचते हैं कि मैंने गलत काम किया? तो फिर क्यों सोचते हैं आप मास्टरबेशन करने? क्योंकि सर उसके बारे में माँ बाप ने हमेशा बताया है, टीचर्स ने हमेशा बताया, लोगों ने हमेशा बताया। सेक्स एजुकेशन सर है ही नहीं, तो लोगों ने जो सीखा है सर वही डेवलप कर लिया है। सर ये चीज गलत बात है, मुझे सर कहना हो सर इसी से मैं बता देता हूँ। एक सवाल और ही है सर, सवाल ही पूछ लेता हूँ। हमारी इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में पेरेंट्स इस बारे में बहुत ज्यादा क्या, थोड़ा बहुत भी खुल के बात बहुत कम ही लोग करते हैं सर, ऐसा क्यों? और ऐसी कंडीशन में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी यहाँ पर पेरेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जितने भी लोग देख रहे हैं, उन लोगों को, ताकि हम समाज को और बेहतर बना सकें? बिल्कुल, ये भारत के नहीं पूरे दुनिया के पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, एक ऐसा गैप है कि पेरेंट्स बच्चों से सेक्स के बारे में बात नहीं करते। बच्चे कहीं और पे जाकर के बात करते हैं जहाँ से वो मिसलीड किए जाते हैं, उनको गलत गाइडेंस मिलती है। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से खुल के बात करें, कोई नुकसान नहीं है इसमें बात करने में। सरकार की जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है, टीचर्स की जिम्मेदारी है। जैसे विशाल सर एक टीचर है, ये भी मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन इस पूरे दुनिया में पूरे बच्चों को बताएं ये एक नुकसानदेह चीज है। और NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग भी बताती है कि टीचर स्कूल्स में जा करके बच्चों को सही सेक्स एजुकेशन दे। अगर मैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात करूं तो उसके अंदर भी ये बात है कि बच्चों को हेल्दी कैसे रहना है, यूथ को कैसे मतलब हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, उसके अंदर भी सेक्स एजुकेशन की बात आती है कि वो इसके लिए अवेयर रहें, कहीं से वो मतलब मिसगाइडेड ना हो। गर्ल्स हैं वो सही तरीके से मेंटेन रखें, कपड़े सही पहने, साफ पहने, जिससे कि हेल्थ और हाइजीन भी बना रहे। सर इसी में सर मैं आप ही की बात को थोड़ा काउंटर करना चाहूंगा। सर आपने कहा NCERT ऐसा करे, बट सर मैंने अभी देखा नहीं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किस स्कूल में सेक्स एजुकेशन को लेकर बात हो रही हो या फिर टीचर्स को समझा रहे हो, ऐसा मैंने सर पर्सनली नहीं देखा है। तो एक्चुअली सर कई बार होता है कि सरकार कोई काम करती है, वो है तो फाइलों में है सर, राइट है ना, पन्नों में लिखे, लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं है सर, दिक्कत सबसे बड़ी है। आपको लगता है सर इम्प्लीमेंटेशन कहीं हुआ है किसी स्कूल में? अगर आप देखेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अगर हम बात करूँ तो वहाँ मेंशनड है कि बच्चों को हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बच्चों को पेरेंट्स गाइड करें। बहुत सारे गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उनके साथ उनका मॉलेस्टेशन होता है या वो मतलब सेक्सुअल हरासमेंट के शिकार भी हो जाते हैं कई बार, तो वहाँ पे भी उनको जानकारी होनी चाहिए। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं जिसमें सिफिलिस है, गनोरिया है, एड्स जैसी भयावह बीमारियाँ हैं, बच्चों को नहीं पता होती हैं, तो हम पेरेंट्स होने के नाते उनको हम बता सकते हैं। जिम्मेदारी सर ओवरऑल अगर हम कहें तो बड़ी जिम्मेदारी सबसे पहले सर घर से आती है। यस, पेरेंट्स जितने भी लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स जितने भी है, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से, आप अपने बच्चों से बात कीजिए। बहुत सारे बच्चे मिसगाइडेड हैं, लिटरली बहुत सारे बच्चे मिसगाइडेड हैं। आज मुझसे लाखों की तादाद में जब बच्चे पढ़ते हैं उनके मैसेजेस मुझ पर आते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे पास इतनी ज़्यादा आई कि आज मैंने डिस्कशन किया, मुझे लगा नहीं मुझे वीडियो बनानी चाहिए। पहली जिम्मेदारी आप लोगों की, दूसरी जिम्मेदारी बनती है टीचर्स की, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाऊंगा, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ। तीसरी जिम्मेदारी बनती है हमारी सरकार की, सरकार कोई काम तब कर सकती है जब पेरेंट्स और आप हम सब लोग उसको करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते शायद वो कभी हो भी नहीं पाएगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर कि हर किसी को एक्सेप्ट करना है और चीज़ों को खुल के सामने लेकर आए। कुछ गलत नहीं है, अच्छी चीज़ें ही हैं, उसको अगर हम सामने नहीं लेकर आएंगे तो चीज़ें बड़ी खराब हो जाती हैं।
सर आपका यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर के दोस्त भी हैं जो सर ने अभी मुझसे डिस्कशन किया है कि आगे चल के बहुत सारी सर वीडियो बना सकते हैं, तो सर मुझे मौका देंगे तो मैं बिल्कुल सर आपके साथ आऊंगा, लगातार वीडियो लगातार सर इसके ऊपर काम करेंगे। और ये बहुत ही जरूरी है, आप सभी लोगों को मैं एक मैसेज लास्ट में दे दूं। हाँ जी, कि अगर आप किसी भी तरह के मास्टरबेशन को करते हैं या आपको किसी भी तरह का आपने ऐसा काम किया हुआ है, तो आप बिल्कुल कभी झिझके नहीं, गिल्ट कॉन्शियसनेस ना पालें, निराश ना हो, अंदर ही अंदर घोटे ना, ये नेचुरल चीज है, ये कॉमन चीज है, सभी लोगों के अंदर है ये चीज, इसीलिए निश्चिंत रहें, बिंदास रहें और मस्त रहें आप इसको लेकर के। जितना ज्यादा सोचेंगे डिप्रेशन एंजाइटी टेंशन बढ़ता जाएगा और ये नुकसान करेगा। मतलब किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत है किसी भी तरीके की, जैसे हम सेक्सुअल किसी भी तरीके की डिसऑर्डर अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, तो सर जो आपके जो फ्रेंड हैं जो आप कहते हैं कई सारे लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ भी होगा तो हम उनके पास जाकर वीडियो जरूर बनाएंगे और आपको उसका मैसेज जरूर देंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और मेरी एक विनती आप लोगों से, एटलीस्ट 50-50 नए लोगों तक इसे शेयर करने की कोशिश करिए, मैक्सिमम इस वीडियो को फैलाइए। विशाल सर इस नए इनिशिएटिव के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, इनिशिएटिव अच्छा लगे थम्स अप जरूर देकर जाएंगे, लाइक बटन पर प्रेस जरूर करेंगे और इसको शेयर करेंगे, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं समाज का हर एक तबका, हर एक व्यक्ति शिक्षित हो। शिक्षित वो तब होगा जब वो हर मायने में शिक्षित हो पाएगा, वो अपने शरीर के बारे में अगर शिक्षित नहीं है तो हम शिक्षित कहेंगे नहीं। तो इसको शेयर करिएगा, हम दोबारा फिर इसी तरीके से आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।